नमस्कार। बेसिक मैथ्स फोर्थ डे की क्लास लेवल 3 to 5 में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर का अभ्यास है हमारा, अंकों में दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। सबसे पहली संख्या है हमारी, जैसे कि उदाहरण में दिया हुआ है 68। सबसे पहली संख्या हमारी क्या है? 68। तो उसे हम शब्दों में लिख देंगे, अड़सठ। अब हम लिखते हैं अगली संख्या है 99, 99। तो चलिए लिख देते हैं 99। इसी प्रकार 657, 657। 839, 839। फिर अगली संख्या है 1084। इकाई दहाई सैकड़ा हजार है ना, तो 1084। फिर उसकी अगली संख्या है 1293, 1293 है अगली संख्या। फिर हम उसे अगली संख्या लिखते हैं 1476, 1476। फिर लेते हैं 1689 दिया हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो पहली संख्या हो गई 1000, फिर 600, फिर 89 लिखा है तो 89, 1689। उसके नीचे की संख्या को आइए समझते हैं, क्या है संख्या? 1862। तो लिख देंगे इसे 1862। फिर इसके बाद की संख्या है 2081। तो 2000 और उसके बाद शून्य है, तो सैकड़ा में कुछ नहीं है, सैकड़ा में शून्य है, इसलिए सैकड़े में हमें कुछ नहीं लिखना है। तो यह संख्या बनेगी 2081। चलिए अगली संख्या है 2100। तो हजार के रूप में है संख्या, इसलिए 2100। उसके बाद इकाई दहाई में 00 है, इसलिए हम सीधे लिखेंगे 2100। अगली संख्या है 2355, 2355। इसके बाद चलिए लेते हैं संख्या 2548। नेक्स्ट 2759, 59 है तो 59। फिर नेक्स्ट 2974। अगली है 3119। नेक्स्ट 3325। चलिए अब नेक्स्ट है 45, 45। 45 को क्या बोलेंगे हिंदी में? 45। फिर अगली संख्या है 600। चलिए 45 के भी ऊपर एक संख्या है 63, तो लिख देंगे उसे 63। फिर उसके नीचे है 45। फिर उसके नीचे है 741, 741। फिर नेक्स्ट है 933, 933। नेक्स्ट है 1127, लिख देते हैं 1127। नेक्स्ट है 1369, 1369 है तो हम बोलेंगे उसे 1369। नेक्स्ट है 1544। फिर है 1729। नेक्स्ट 1991। फिर अगली संख्या है 2166। फिर अगली संख्या है 2247, 2247 है तो 2247। नेक्स्ट है 2411, चार अंकों की संख्या है ना, इसलिए हजार में लेंगे 2411। नेक्स्ट है 2635। अगली संख्या है 2842। और फिर नेक्स्ट संख्या है 3090, तो 3000। अब सैकड़े में कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे 3090। नेक्स्ट है 3273। और अंतिम संख्या है 3000।
488। इस प्रकार हम संख्याओं को शब्दों में लिखना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, अब लेते हैं अगला अभ्यास। अगले अभ्यास में हम लिखेंगे नीचे लिखी संख्याओं को पढ़िए। ये अभ्यास है हमारा कि जो संख्याएं नीचे लिखी गई हैं उनको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है देखिए, 101, 101। तो देखिए उसे शब्दों में भी नीचे लिखा गया है 101। फिर है 102, शब्दों में लिखा गया है 102। फिर 103, 103 शब्दों में लिखा गया है। फिर देखिए 104, तो नीचे लिखा है 104। फिर है अगली संख्या 105, तो नीचे लिखा है 105। फिर है 106, तो नीचे है 106। अगली संख्या है 107, तो 107 के नीचे भी क्या लिखा हुआ है, 107। फिर 108, तो 108 के नीचे भी लिखा हुआ है 108। अगली संख्या है 109, 109 के नीचे भी 109 लिखा हुआ है। और अंतिम संख्या है 110, 110 के नीचे भी लिखा हुआ है 110। इस तरह से हम शब्दों में, अंकों को शब्दों में लिखने का अभ्यास करेंगे। तो अब नीचे जो दूसरा टेबल दिया गया है उसमें कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो देखिए क्या दिए हुए हैं। दिया हुआ है 211। नीचे लिखी संख्याओं को पढ़िए तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। तो सबसे पहले दिया हुआ है 211, अंकों में दिया गया है, नीचे शब्दों में लिखा हुआ है 211। फिर अगली संख्या है 212, अंकों में 212 दिया हुआ है, नीचे शब्दों में लिखा हुआ है 212। लेकिन नेक्स्ट में हमें डैश है, ब्लैंक्स है, तो अब हम इस खाली स्थान में क्या लिखेंगे, नीचे पढ़िए, नीचे लिखा हुआ है 213। तो चलिए अब हम नीचे लिख दे 3, 2, 1, 3, 213 हो गया। उसके बाद फिर ब्लैंक है और शब्दों में लिखा हुआ है 214, तो 214 हम कैसे लिखेंगे, 214, 214। लेकिन इसके बाद वाले कॉलम में हमें दोनों चीजें दी गई हैं, 215 शब्दों में भी दिया हुआ है और अंकों में भी दिया गया है, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना है। अगला देखिए, अगला फिर से ब्लैंक है और 216 लिखा हुआ है, तो हम लिख देंगे अब 216, 216 हो गया। फिर आगे वाली संख्या में है 217, तो फिर से ब्लैंक में हम लिख देंगे 217। फिर अगली संख्या है 218, तो ब्लैंक में लिख देंगे 218, 218। फिर है 219, तो अगली संख्या में क्या हो जाएगा, 200 है, सैकड़े में 2 है और 19, तो 219, 219। और फिर है 220, तो हम लिख देंगे 220। अब चलिए तीसरा नंबर देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमारे पास ज्यादा रिक्त स्थान दिए हुए हैं, जैसे कि हमारा पहला ही है 421, जबकि केवल भरा हुआ एक ही है लास्ट वाला 430, 430 पूरी तरह से भरा हुआ है। इसके अलावा 421 हमें लिखा हुआ मिल गया है, 421 और 430 दो भरे हुए हैं। अब हम लेते हैं 422, तो 422 लिखने के लिए सैकड़े पे हमें 4 लिखना पड़ेगा और 22 लिखना पड़ेगा, तो 422, ये हो गया 422। 423 क्या हो जाएगा, 423, 423। फिर 424 क्या होगा, 424, 424। अगली संख्या है 425, 425, 425। और 426, तो 4 और 26 लिख देंगे, 426, 426। अगली है 427, तो 427। फिर है 428, 428। फिर है 429, 429। और अंतिम है 430।